मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज करेंगे तो वेट ऑफ सॉल्यूशन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। सेम एग्जांपल लेते हैं, 20% मास बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन बनाना है हमें किसका, शुगर सॉल्यूशन का। अब देखिए इसमें 100 मिलीलीटर में 20 ग्राम मिलाना गलत हो गया, पहले बता चुका हूं आपको। लेकिन 20 ग्राम लेके और 80 मिलीलीटर पानी मिलाते हैं तभी गलत है। अब हमें क्या करना होगा इसके लिए, हम 20 ग्राम शुगर को थोड़े से पानी में डिजोल्व करेंगे, 20 ग्राम शुगर को थोड़े से पानी में डिजोल्व करेंगे और पानी ऐड करके वॉल्यूम मेकअप कर देंगे टोटल 100 मिलीलीटर। बहुत डिफरेंस है 20 ग्राम में 100 मिलीलीटर पानी मिलाना, और सही तरीका उसका क्या होगा, 20 ग्राम को थोड़े से पानी में मिलाना है, उसके बाद वॉल्यूम मेकअप कर देना है कितना, 100 मिलीलीटर। यह होगा 20% बाय मास बाय वॉल्यूम। अब लेते हैं नेक्स्ट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज में क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन मिलीलीटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर इनटू 100। इसमें देखिए हम कैसे गलती करते हैं। से वी वांट टू प्रिपेयर 20% अल्कोहल सॉल्यूशन, 100 मिलीलीटर में 20 मिलीलीटर ऐड करना रॉन्ग, समझ चुके हैं हम। अब बड़ा इंटरेस्टिंग है जो आपको लगेगा भी ये तो सही था, इसको गलत कैसे हो सकता है, 20 मिलीलीटर अल्कोहल और 80 मिलीलीटर पानी ले तब भी गलत है। अगर 80 मिलीलीटर और 20 मिलीलीटर तो 100 हो गया, ये गलत कैसे, ये मैं बताऊंगा कि गलत कैसे। हम पहले देखते कैसे बनाएंगे, हम 20 मिलीलीटर अल्कोहल लेंगे, थोड़े से पानी में डिजोल्व करेंगे और उसके बाद वॉल्यूम मेकअप कर देंगे 100 मिलीलीटर। अब बात है कि 20 मिलीलीटर अल्कोहल प्लस 80 मिलीलीटर पानी जब दिया था तब क्यों नहीं हुआ 100 मिलीलीटर, ये आप पढ़ेंगे सॉल्यूशंस के चैप्टर में डेविएशंस। जब हम सॉल्यूशंस बनाते हैं लिक्विड सॉल्यूशंस, तो नॉर्मली अगर सॉल्यूशन आइडियल नहीं है तो दो प्रकार के डेविएशंस शो करते हैं, पॉजिटिव डेविएशन नेगेटिव डेविएशंस, वो यहाँ थोड़ा डेविएट हो जाएंगे उस टॉपिक से हम। लेकिन ये ध्यान रखना है कि हम 20 + 100, 20 मिलीलीटर अल्कोहल प्लस 80 मिलीलीटर वाटर विल नॉट बी एग्जैक्ट 100 मिलीलीटर। व्हाई दिस, वी विल स्टडी ड्यूरिंग डेविएशन ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, दिस इज अबाउट परसेंटेज। तो परसेंटेज टर्म इज ऑल्सो नॉट दैट इजी, नॉर्मली परसेंटेज टर्म बनाते हैं तो उन्हें इन चीजों का ध्यान रखिए। थोड़ा सा परसेंटेज के बाद एक टर्म और लेकर से मिली, आजकल उस पर क्वेश्चन काफी आते हैं और यूज भी होते हैं। नेक्स्ट दिस टर्म इज पीपीएम। पीपीएम का फुल फॉर्म है पार्ट्स पर मिलियन, दैट इज वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर मिलियन पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन। अब पीपीएम कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ता है, पहले तो पीपीएम की क्यों जरूरत पड़ी, कुछ सॉल्यूशन ऐसे होते हैं जो बहुत डायरेक्ट होते हैं, कंसेंट्रेशन बहुत कम होती है, पर्टिकुलरली टॉक्सिसिटी कैलकुलेट करने में यूज होते हैं पीपीएम का। पीपीएम पीपीएम विल बी वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10^6। मैंने यूनिट नहीं लिखे, ध्यान देखो, अगर ये ग्राम में है तो ये भी ग्राम में, ये किलोग्राम में है ये भी किलोग्राम में, दोनों की जगह वॉल्यूम भी ले सकते हैं, ये वॉल्यूम मिलीलीटर में है ये मिलीलीटर में, अपने को पार्ट्स पर मिलियन लेना है तो पार्ट्स पर मिलियन 10^6 से मल्टीप्लाई कर। अब यहां पर एक बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है जिसमें हम नॉर्मली गलती करते हैं कि परसेंटेज पता हो तो पीपीएम में कैलकुलेट करो, पीपीएम पता है तो परसेंटेज कैलकुलेट करना है। मैं इस फार्मूला को बिल्कुल ईजी उसमें कैलकुलेट कर कन्वर्ट कर देता हूँ परसेंटेज। देखिए ppm let us this 10^6 को मैं क्या करता हूं, 10^2 into 10^4 लिख सकते हैं ऐसे। Now what is this, this terms become percentage, so ppm is equal to percentage into 10^4, or you can say percentage is equal to ppm into 10^4
फिर इस परसेंटेज को हम 10 टू पावर 4 से मल्टीप्लाई करें तो ppm आ जाएगा, और इफ दिस इज नॉन वी कैन कैलकुलेट दी परसेंटेज आल्सो। अभी आजकल ppm के बजाय क्योंकि एडवांस हो गई टेक्नोलॉजी और डाइल्यूट सॉल्यूशन हम बना सकते हैं और लो कंसेंट्रेशन हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो कभी कभी ppm के बजाय ppb भी यूज करते हैं, दैट इज पार्ट्स पर बिलियन। अगर पार्ट्स पर बिलियन है तो हम उस केस में और सिमिलरली इसको हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, इट विल बी परसेंटेज इनटू 10^7। ये था अबाउट कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन एक्चुअली बहुत सारे न्यूमेरिकल्स पॉसिबल है इसमें। सारे न्यूमेरिकल्स करने के लिए जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो एक ही चीज का यूज होगा क्वेश्चंस करने में। बहुत सारी जगह आपको बहुत सारी बुक्स में डायरेक्ट रिलेशन मिल जाएंगे, मोलैरिटी और मोलैरिटी में रिलेशन, मोलैरिटी पता हो तो मोलैरिटी ऐसे निकाल सकते हैं, नॉर्मलिटी ऐसे निकाल सकते हैं, नहीं करने हमको रिलेशन याद, ना ही हमको डिराइव करने की जरूरत है। हम इन बेसिक फार्मूला से कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर सकते हैं। आपको केवल एक ही चीज का यूज करना आना चाहिए और वो यूज किया डेंसिटी। जब भी क्वेश्चन में डेंसिटी दे रखी है तो डेंसिटी किसकी होगी, सॉल्यूशन की होगी, तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन विल बी वेट ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं और थोड़ा तीनों बेसिक टर्म्स जो हैं उनको मैं समराइज करके आपको बताता हूं कि कैसे डेंसिटी का यूज कर सकते हैं, और इट इज वेरी हेल्पफुल टू अस इन डूइंग सो मेनी न्यूमेरिकल्स। से वी आर डूइंग मोलैरिटी, तो मोलैरिटी इज डब्ल्यू नंबर ऑफ मोल्स 1000 अपॉन, हियर वी इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इफ वी नो द वेट ऑफ सॉल्यूशन वी कैन कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। Normality also we are using molar of solution, but in molality here we are using weight of solvent. This is weight of solvent. If we know the weight of solution from this, we can calculate the weight of solution. So from weight of solution you will minus the weight of solute, you will get the weight of solvent. So this is weight of solvent. Example, let us take one example. Say we have sulfuric acid solution which is 49% by mass. Its density is 1.5 gram per centimeter. नॉर्मली जब भी हम कोई सॉल्यूशन की बोतल लेते हैं तो उसके ऊपर लिखा होता है SA, क्या वर्ड लिखा होता है AWSAYSA, और उसके आगे लिखा होगा इतने परसेंट बाय मास, डेंसिटी इज दिस। अब परसेंटेज ऑफ मास और डेंसिटी है, हम सॉल्यूशन बनाना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी, नॉर्मलिटी और मोलैरिटी, तो हम कैसे इसको करेंगे। सी परसेंटेज ऑफ मास, परसेंटेज ऑफ मास का मतलब क्या कि वेट ऑफ सॉल्यूट इज 49 ग्राम, weight of solvent is 51 gram because total weight of solution is 100 gram, density is 1.5 gram they have given to us. We want to calculate, we can calculate using this, we can calculate normality, we can calculate molarity, we can calculate molarity, everything we can calculate. So first let us calculate molarity. So molarity will be W upon N, 49, molecular weight of sulfuric acid is 98, here it is volume, need not remember direct formula, volume, what is volume, volume is weight of solution upon density, weight of solution is how much, 100, it will be 100 upon density, density 1.5, so it will be 100 centimeter cancel, 1 upon 2, 1 upon 2 means 7.5, so molarity of the solution comes out to be 7.5. देखा आपने कैसे मैं यूज किया डेंसिटी का।
आउटलेट है नॉन बैटरी। इसी सॉल्यूशन के नॉन बैटरी कैलकुलेट करेंगे तो वेट ऑफ सॉल्यूट इज नाउ इंस्टेड ऑफ मॉलिक्यूलर वेट वी विल टेक इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज 49,1000 अपॉन 100। वॉल्यूम अगेन वॉल्यूम डायरेक्ट लिख दिया, अभी हमने कैलकुलेट किया था वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सो नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन कम्स आउट टू बी 50। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट सी मोलैरिटी। मोलैरिटी विल वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू 1000 अपॉन ना है नो वेट ऑफ सॉल्वेंट। यहां पे हमारे पास क्या है वेट ऑफ सॉल्वेंट। वेट ऑफ सॉल्वेंट इज गिवन टू अस 59 दैट इज 1.2 551। दिस विल बी द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो इफ वी नो द यूज ऑफ डेंसिटी वी कैन डू ऑल द क्वेश्चंस ऑन नॉर्मेलिटी मोलैरिटी एंड मोलैरिटी। ये हमारा था। जब भी न्यूमेरिकल करने की एक बात मैं इसमें थोड़ा ऐड करना चाहूंगा, जब आपको न्यूमेरिकल करना हो तो न्यूमेरिकल करना मैंने बताया कि हमेशा आसान होता है। हमें क्वेश्चन को समझना है कि क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है, जो डाटा दिया हुआ है उसको आप सिंबल के फॉर्म में लिखें और जो कैलकुलेट करना है उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा दें, फिर देखो कि कौन सा फार्मूला लग सकता है। बेसिक फार्मूला का यूज करना सीखें। डायरेक्ट अब मान लो हम डायरेक्ट मोलैरिटी का फार्मूला यूज करते कहीं मिल जाए कुछ, मुझे नहीं पता क्या होता है मोलैरिटी का फार्मूला डायरेक्ट, अगर मोलैरिटी पता हो तो उसको कैलकुलेट करना याद रखना डिफिकल्ट होता है। आप बेसिक फार्मूला यूज करिए और उससे हमारे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में। इट इज अबाउट कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। थैंक यू वेरी मच।